अयाशी के लिए मां ने चुरा लिए विकलांग बेटे के मुआवजे के 3 करोड़ रुपए। आज के दौर में लोग बदल रहे हैं और लोगों के साथ बदल रही है उनकी सोच। जैसे जैसे सोच में बदलाव आया है, वैसे वैसे रिश्तों में भी इसका असर देखा जा सकता है। ताज़ा मामला ब्रिटेन में सामने आया है। यहाँ एक माँ ने अपने ऐशो आराम के लिए अपने ही बेटे से 4 लाख यूरो लूट लिए। हैरान करने वाली बात यह है कि वो पैसे उसके बेटे को मुआवजे के तौर पर मिले थे। हुआ यह था कि एक कार हादसे में बेटे को सिर पर गहरी चोट लगी थी और वो सोचने की ताकत तक खो चुका था। महिला का नाम टेरेसा राइट, 44 है और अब वो जेल में है। बेटे को मरने के लिए छोड़ गई माँ। ब्रिटेन के ल्यूटन शहर में टेरेसा राइट रहती हैं। माँ को सजा मिलने के बाद एक वेबसाइट से बातचीत में बेटे माइकल राइट ने बताया कि उसकी माँ ने उसका सब कुछ लूट लिया और उसे मरने के लिए छोड़कर चली गई। माइकल ने बताया कि कार हादसे के बाद से उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल में थी, लेकिन उसकी माँ ने उसके साथ ऐसा गलत काम किया। माइकल ने बताया कि एक कार हादसे में उसके सिर के ऊपरी हिस्से में गंभीर चोट लगी थी। उसके बाद से कई साल तक वो ICU में रहा और फिर कोमा में। उसके सोचने की शक्ति में खत्म हो चुकी थी। मिला था मुआवजा और माँ करती थी देखरेख। हादसे के बाद कुछ समय तक कोर्ट में मामला चला। फिर साल 2012 में कोर्ट के आदेश पर माइकल को मुआवजा मिला। मुआवजे की रकम थी 4 लाख यूरो। कोर्ट ने माइकल की माँ टेरेसा को उसकी देखभाल के लिए नियुक्ति किया था। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था टेरेसा ही उसकी आर्थिक परिस्थितियों की देखभाल करेंगी। साफ शब्दों में कहें तो उन रकम का प्रयोग कैसे होना है, इसका मालिकाना हक टेरेसा को मिला था। अपनी अयाशी के लिए माँ ने लूट लिए पैसे। कुछ दिन सेवा करने के बाद माँ ने धीरे धीरे सारे पैसे माइकल के बैंक अकाउंट से निकाल कर अपने अकाउंट में डाल लिए। जब यह मामला सामने आया तब टेरेसा ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि उसने पैसे अपने बेटे की मर्जी से खर्च किए हैं। 5 साल की जेल हुई। ब्रिटेन के ल्यूटन कोर्ट ने इस मामले में आरोपी माँ को 5 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान टेरेसा ने कबूल किया कि उसने मुआवजे के लूटे हुए पैसे अपने दूसरे बच्चों को भी दिया था और कुछ पैसों से अपने लिए गाड़ी खरीदी थी।